सेतु पोर्टल से आयुष्मान कार्ड डिलीवर कैसे करें, ध्यान से देखें वीडियो को। गूगल पर हम सेतु डॉट पी एम जी वाई डॉट जी ओ वी डॉट इन टाइप करते हैं। उसके बाद ये अपना साइट ओपन हो जाता है, एनएचए का साइट है ये। ऊपर देख रहे हैं रजिस्टर्ड एंड साइन इन शो हो रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हमको एक ऐसा स्क्रीन शो होगा, इसमें अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, जो आईडी है अपना। फ़ोन नंबर डालने के बाद साइन इन में क्लिक करेंगे, ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी है आपका पासवर्ड, ओटीपी से ही आईडी ओपन होगा। यहाँ ओटीपी डालने के बाद साइन इन में क्लिक करेंगे। साइन इन में क्लिक करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जो अपना साइट है। इसमें हमको डाउनलोड एंड डिलीवरी में जाना है। उसके बाद डिलीवरी ऑल स्टेट आयुष्मान कार्ड लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑल स्टेट आयुष्मान कार्ड में हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन हमको दिखाई देगा, इसमें स्टेट आ रहा है, पी एम जी वाई आई डी आ रहा है। स्टेट में हमको मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारा आयुष्मान कार्ड आया है, पीवीसी कार्ड, उसका उस आयुष्मान कार्ड का यहाँ नंबर डालना है, पी वाई आर 8RQ6YX। उसके बाद गेट डिटेल में क्लिक करना है। इसमें कार्ड नंबर डालने के बाद इसमें इस फैमिली में जितने लोगों का कार्ड बना हुआ है उन सब का नाम यहाँ शो हो जाएगा। जिसका हमको केवाईसी करना है उनका सेल्फ में क्लिक करना है, और बाकी का जो डब्बा दिख रहा है उसमें क्लिक करना है बाकी मेंबर के लिए। उसके बाद फिंगर में क्लिक करना है, हम फिंगर डिवाइस से यहाँ केवाईसी करेंगे। फिंगर में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, स्कैन योर फिंगर दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। स्कैन योर फिंगर में क्लिक करने के बाद हिताधिकारी का फिंगर लगवाना है। ये राइट क्लिक आ गया फिंगर लगने के बाद, उसके बाद इसमें वेरीफाई में क्लिक करना है अपने को। वेरीफाई में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके आ रहा है। इसका मतलब यह है कि उनका फिंगर जो है सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद हम बेनिफिशियरी का कार्ड को पकड़ा के एक फ़ोटो लेना है अपने को। उसके लिए हम गैलरी में ऑलरेडी फ़ोटो खींच के रखे हैं। उसके बाद अपलोड फ़ोटो में क्लिक करने के बाद हम पहले से जो फ़ोटो खींच के रखे हैं हितग्राही का कार्ड पकड़ा के ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में सेव करके रखे हैं उसको, उसी फ़ोटो को ही हमको अपलोड करना है। ये सबसे आसान होता है, डिवाइस पेयर करने से अच्छा ही होता है ये। चूज फाइल में क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो हमारा रखा हुआ है वो अटैच कर देंगे। देखिए फ़ोटो अटैच हो गया है। उसके बाद सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे, फ़ोटो अटैच हो चुका है। सबमिट बटन में जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, ये हमारा कार्ड डिलीवरी हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसका मतलब यह है कि ये कार्ड जो है अपना सभी कार्ड डिलीवर्ड हो चुका है। सबसे बेनिफिट ये है कि एक ही हितग्राही का केवाईसी करने से सभी फैमिली का जो है कार्ड डिलीवर्ड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कार्ड डिलीवरी कंप्लीट, डिलीवरी कंप्लीटेड करके दिखा रहा है। उसके बाद हम रिसेट में क्लिक करेंगे तो नया केवाईसी यहां से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।